राज्यरे कोरोना संक्रमणर द्वितीय लहररे जारी रहिथिबा संकटमय परिस्थितिकु द्विगुणित करिछि भूताणुर ट्रिपल म्युटेंट संक्रमण। एही ट्रिपल म्युटेंट भूताणु देशर महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और पश्चिमबंगरे रोगीक शरीररे ठाबो करा जायछि। ट्रिपल म्युटेंट भूताणु ओडिशारे संक्रमणर स्थिति न उपजाइबा पई राज्य सरकार पूर्ण सजग हेबा सह दृढ़ पदक्षेप नेबापी बालेश्वर और मयूरभंज जिला प्रशासन को निर्देश देते। ट्रिपल म्युटेंट कोरोना भूताणुर सक्रियता पूर्वर म्युटेंट भूताणु ठार् ढेर अधिक होइथिबारु जनसाधारण एथिप्रति सतर्क रहा आवश्यक बोली विशेषज्ञ माने मत देते। कोरोना भूताणु ठाब होबा दिन ठार् देश विदेश में संक्रमण स्तर वृद्धि सह दिनकु दिन अधिक शक्तिशाली होबार लागिछि। एही ट्रिपल म्युटेंट को सहजरे भूताणुर एक प्रकार भेद कहा जाय पारे। एहा अति सहजरे संक्रमित होई पारुथुबा बेले पूर्वर संक्रमण अथवा वैक्सीनेशन द्वारा मनीष शरीर में वृद्धि होइतिबा रोग प्रतिरोधक शक्ति बा एंटीबॉडी को अतिक्रमण करिपारुछि बोली विशिष्ट आयुर्वेदिक भेषज विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर शांतनु दास मत दैछन्ती। प्रथम पर्याय संक्रमण में देखादेउथुबा गळाबथा, मुंडबिंधा बा ज्वर लागि रहिबा बोली लक्षण तुलना रे ट्रिपल म्युटेंट संक्रमितों ठारे शरीरर विभिन्न स्थान रे रंग परिवर्तन हेबा लक्षण देखा जाउछि। एहा उपरे अधिक गवेषणा परे ट्रिपल म्युटेंट संक्रमणर प्रकृत स्थिति जणापड़िबो बोली डॉक्टर दास कहिछन्ती। अति सहजरे संक्रमित होइपारुथुबा एही म्युटेंटर सक्रियता को भांगिबाकु हेले व्यक्ति व्यक्तिक मध्यरे दूरता अवलम्बन करिबा निहाती आवश्यक बोली से मत प्रकाश करिछन्ती। जोटा कि गोटे प्रोटीन पार्ट रहुछि जो पार्ट को टिके डायरेक्शन जहार डायग्नोसिस करिवारे आमको गोटे रोग को सुविधा हुए तो सिमिति फर्स्ट म्युटेंट्स कहु आम कि रोगर गोटे साधारण लक्षण टी देखा मिले किंतु किसी लक्षण ठार कि लक्षण अलग कि रोगी पाखे देखा जाए जितेबाला से अलग लक्षण को आम अनुधान करवा से तार गोटे म्युटेंट एक्जामेसन इनभेस्टिगेसन से म्युटेसनटा आम देख लु ब्राजिल गोटे बाहर पुणी साउथ आफ्रिकार गोटे बाहर जहाँ फर्स्ट म्युटेंट सेकेंड म्युटेंट कहगला एवं गोटे थर्ड म्युटेंट बाहर दैट इज दि ई 484K ये गोटे मार्कर जो मार्करटा कि बर्तमान कोविड भाइरस देहरे आरएनए भाइरस देहरे आम पाऊ यार सबुठ असुविधाजनक स्थिति होउछि कौन ना पूर्वर जोटा थिला तार रोग बापिबार शक्ति जेतिकी थिला बर्तमान थर्ड म्युटेंटर यार बापिबार शक्ति सबुठ बेसी तेणु अति शीघ्र ये गोटे जगार अन्य जगह को ट्रांसमिशन हो जाए नंबर वन। नंबर टू आम पाखे आम देहरे जो इम्यूनिटी अच्छी से इम्यूनिटी को बढ़ेवा सहित आम कि वैक्सीनेसन प्रोग्राम को इनिसीएट करूँ विश्वर समस्त करूँ तो यही म्युटेंट ये गोटे एस्केपर्स मानने से कौन कै ना से इम्यूनिटी पाखु टी लुचि पड़े मैं धरा दिए ना धरा दौना एवं तेणु यह बर्तमान जो वैक्सीनेसन आम चली से वैक्सीनेशन रे थर्ड म्युटेंट उपरे अमर वैक्सीन गुड़िक केते प्रभावशाली हबो यार आकलन वर्तमान सुधा सेमिति किछि स्टडी हेइ पारि नाही हे तो अल्प दिन अल्प किछि दिन भितरे बहुत गुड़िक वेरिएंट्स मिलिगला परे आमे प्रायतः से इन्वेस्टिगेशन करि परिबा तेणु थर्ड म्युटेंट वेरिएंट जहाँ को आम कहे दैट वेरिएशन रे आम दुईटी जिनस पाइबा प्रथम जिनस होउछि यार ट्रांसमिशन प्रोसेसटा बहुत फास्टर नंबर वन। नंबर टू जो वैक्सीनेशन आम नौचे से वैक्सीनेशन रे सबुठ बड़ कथा होउछि गुड़े एस्केपिस्ट ये गोटे चुपचाप लुचिकी पलई जिला गला भाया धरा नपड़ा भाया गोटे म्युटेंट ये तेणु ये दुईटी जिनस हूँ आम सब प्रमुख जिनस। तृतीय जिनस एबे जो साधारण लक्षण आम कोविड रे पाथलु जे हेडेक् होता गला बता होता शहे शहे पखापाखि शहे एक दुई पखापाखि टेम्परेचर रोला यह छड़ा अन्यान्य लक्षण प्रकाश पाला एवं गोटे नुआ लक्षण पुणी आसूँ जे आपणकर डिस्कलरेसन हवा बा हात माने आंगुली एवं गोड़ आंगुली रे किछि रंगर परिवर्तन हवा तो यह भी मध्य गोटे आशंका करा जाई पारुछि जे हुए तो जो थर्ड म्युटेंट वेरिएशन्स रे जो जो किछि लक्षण आमे आगुरु पाउथुलु एटा बदे एटा एपर्जन गोटे कन्फर्म हे नै एटा गोटे आसुछि वर्तमान जे बहुत गुडीको रोगीको पाखरे आमे गोटे डिस्कलरेसन देखुछु बा हातर आंगुली एवं गोड़ आंगुली गुडीको तार निज स्वाभाविक रंगरु परिवर्तित हे जाउछन्ती तेणु ये गोटे नुआ बर्तमान गोटे सिम्टम आसी तेणु यह सठिक गवेषणा हूँ तो आउ कि अल्प दिन भितर मिल जापर आम देखा जे बालेश्वर सहित वेस्ट बेंगल बॉर्डरटा आम पाखापाखि रोचे और ओडिशार बॉर्डरटा आम से पाखापाखि पाचु तेणु म्युटेंट ट्रांसमिशन जोटा आम कहे गोटे लोक पाखु अगर लोक को अतिशीघ्र ये व्यापी जा पूर्व दुईटा म्युटेंट ठारू
ତେଣୁ ଆର କ୍ଷିପ୍ର ଗତିଟା ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ରହିଛି ତାକୁ ସିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଯେମିତି ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ଟ୍ରେସିଂ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଛୁ ସେ ଟି ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଭେରିଆଣ୍ଟସ୍ ଆମକୁ କେଉଁଠି ବି କେଉଁଠି ମିଳୁଛି ଯଦି ମିଳିଗଲା ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଧରି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କାରଣ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିବୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବିପଦ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହେଉଛି ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟାଦା ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମ ରେଟ୍ 70-80 ରହୁଛି ଯଦି ସେ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଗୋଟେ କି 2 କି 5 କି 10 ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 5 ଗୁଣା ହୋଇଯିବ 70 ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଖାପାଖି 500 ଏଭବ୍ 500 କ୍ରସ୍ କରିବ ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମକୁ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟୁଟେଣ୍ଟରେ ବେଙ୍ଗଲ ଠୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ବେଙ୍ଗଲର ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନ ଆସନ୍ତୁ।